अगली खबर आ रही है ग्वालियर से, जहां 40 दिन पहले एक 52 वर्षीय महिला की खुदकुशी के मामले में जांच के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। महिला पर पड़ोसी दो महिलाओं ने झगड़े के बाद चेहरे पर गोबर फेंक दिया था, साथ ही चाटे भी मारे थे। इस पर वह काफी दुखी हो गई थी। घर से निकलते समय यही कहकर गई थी कि तुम खुश रहो। इसके बाद उसका शव रेलवे लाइन पर पड़ा मिला था। उसने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली थी। घटना 11 नवंबर अकबरपुर रेलवे लाइन की है। अब पुलिस ने मृतका की पड़ोसी महिलाओं पर उसे बेइज्जत कर खुदकुशी के लिए उकसाने की FIR मंगलवार रात को दर्ज कर ली है। शहर के हजीरा गदाईपुरा निवासी 52 वर्षीय सविता पत्नी धर्मवीर सिंह भदौरिया का शव 11 नवंबर 2022 को पुरानी छावनी थाना क्षेत्र स्थित रेलवे लाइन पर पड़ा मिला था। उसकी मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई थी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस को पता लगा था कि किसी ने महिला को तेजी से आ रही ट्रेन के सामने खुद आते हुए देखा था। इसके बाद साफ हुआ कि महिला ने खुदकुशी की है, जिस पर पुलिस ने सबको निगरानी में लेकर पड़ताल शुरू की। 40 दिन की जांच के बाद पुलिस ने महिला के आत्महत्या के कारणों का खुलासा किया है। पुलिस ने जांच की तो पता लगा कि सविता का घटना वाले दिन सुबह 10 बजे पड़ोस में रहने वाली ललिता उर्फ लल्ली पत्नी आकाश तोमर सर्वेश उर्फ गुड्डी तोमर से विवाद हुआ था। पुलिस को जांच में पता चला था कि सविता के पड़ोस में रहने वाली दोनों महिलाएं अक्सर उसके दरवाजे पर गोबर व अन्य गंदगी डालकर उसे परेशान करती थी। 11 नवंबर सुबह 10 बजे यही हुआ था। जब सविता ने विरोध किया तो ललिता व सर्वेश तोमर ने उससे झगड़ा किया और सभी के सामने उसे बेइज्जत कर उसके चेहरे पर गोबर फेंक दिया। इतना ही नहीं, उसे चाटे भी मारे, जिस पर सविता काफी दुखी हो गई थी। वह यह कहते हुए चली गई थी कि यह आप लोग हमेशा खुश रहें। इसके बाद वह घर से निकल गई। परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। इसके बाद उसने रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी जान दे दी। इस मामले में पुरानी छावनी थाना प्रभारी का कहना है कि जांच में पता लगा है कि मृतिका को उसकी पड़ोसी महिलाओं ने बेइज्जत किया था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने उसे परेशान कर खुदकुशी के लिए उकसाने वाली दो महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।